अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये हार्वेस्ट किए हैं कुछ बेल पेपर्स, रशियन बेल पेपर्स हैं ये। और कहा गया था कि ये पर्पल वैरायटी है, और जब फ्लावर से फ्रूट बना था उस टाइम वो ग्रीन थी, और फौरन ही विद इन फ्यू डेज, बल्कि फ्यू डेज भी कहना होगा, बल्कि एक दिन के अंदर ही ये जो नेक्स्ट डे जो है वो पर्पल में चेंज हो गई थी। बिल्कुल छोटी सा फ्रूट जो था ना वो पर्पल कलर में चेंज हो गया था, और थ्रू आउट फिर वो पर्पल में ही रहा। अच्छा, मैंने फिर ये कोशिश करी कि मैं इसको राइप करने की कोशिश करी, मैंने कहा इसको राइप करता हूँ और राइप करके देखते हैं कि इसका कलर कहाँ तक पहुँचता है। तो काफ़ी दिनों तक जो मैंने इसको छोड़ा रखा, सबसे बड़ी ये थी, ये अभी बिल्कुल ही इसकी जो है ना हवा ख़राब हो गई बिल्कुल ही, मतलब इसमें से समान हवा किसी ने पंक्चर कर दिया, इसको हवा निकल गई, वरना ये बहुत फूली हुई थी। और वो क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा राइप कर दिया, क्योंकि जब मैंने इसको देखा ना कि हल्का हल्का रेड से शेड आ रहा है, तो मैं थोड़ा घबराया, मैंने कहा यार ये तो पर्पल वैरायटी थी और ये रेड क्यों आ रहा है। तो बहरहाल मैंने इसको फिर छोड़ दिया, कि मैंने कहा चलो देखते हैं इसका कहाँ तक ये इसका रेड जाता है। लेकिन ये ऐसी वैरायटी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है जिसमें राइप होने के बाद डबल शेड हो, मतलब रेड भी है और पर्पल भी है। तो पर्पल के बाद जब ये एक्सट्रीम राइप हुई है, तो फिर इसने हल्का सा जो अपना समझ लें कॉलर्स कह लें या इसके समझ लें शोल्डर्स कह लें, तो वहाँ से इसने सिर्फ रेड कलर्स देख लें सब के अंदर जो है वो आया है। अच्छा, तो मैंने खैर बहरहाल ये वाली को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इसको एक्स्ट्रा राइप करते हैं देखते हैं कहाँ तक कलर जाता है। लेकिन ये राइप रेड पे नहीं हुआ कलर, ये बहुत ज़्यादा ही नरम पड़ गई, देख रहा। एनी वेज, तो ये येलो वैरायटी है और रशियन वैरायटी है। इसको मैंने टेस्ट किया, सब मैंने निकाले हर साइज़ के, तो हर साइज़ के निकालने के बाद यही मालूम हुआ कि सबका टेस्ट जो है मोर और लेस सेम ही है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत स्वीट वैरायटी है। और इसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि देख रहे हैं ये स्ट्राइप्स सी जो आ रही है हल्की हल्की, ये जो इस तरह की स्ट्राइप्स हैं ये हलापिनियोज़ में आती हैं, और ये बिल्कुल वही उसी तरह की देख रहे हैं ये स्ट्राइप्स आ रही हैं, ये बिल्कुल हेलापिनोस जो है ना उस तरह की वैरायटी जो हेलापिनो की होती है, जेन्युइन हेलापिनोस ये होती है ना। इसमें तो हेलापिनोस में तो काफ़ी मिक्सचर है, मतलब हाइब्रिड के अंदर भी आ गई और दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं जो क्रॉस करके वैरायटीज़ हैं। तो लेकिन जो हेलूम वैरायटी है हेलापिनो की, तो वो जो है बिल्कुल इसी तरह होती है कि उसमें हल्के हल्के ये जो है स्ट्राइप्स आती हैं, तो बिल्कुल वही उसी तरह की स्ट्राइप्स हैं इसमें भी, और बहुत जूसी है और बहुत टेस्टी है। तो इसके भी सीड्स हैं, किसी को चाहिए तो बताइएगा। और रशियन टोमेटोज़ के सीड्स तो काफ़ी लोग लेके गए मुझसे और काफ़ी लोगों को पसंद आए, अभी मतलब पसंद इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि मतलब ग्रो करते ही फ़ौरन विद इन फ्यू डेज़ वो जर्मिनेट हो गए। ऑब्वियसली जर्मिनेट तो होंगे क्योंकि फर्टाइल सीड्स थे, बिल्कुल ताज़े सीड्स थे। तो वो सीड्स भी अभी रशियन मेरे पास हैं टोमेटोज़ के, और ये सीड्स भी मैं आप सेव करूँगा। तो किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सेंड नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।